ब्राह्मण लोग जिस समय मंत्र बोलकर यजमान के हाथ में कलावा बांधते हैं दीक्षा के समय पर, उस समय उनके संपूर्ण अपराध जल करके नष्ट होते हैं और दीक्षा के समय में उसका एक नया जीवन होता है। वर्णन है कि दीक्षा लेकर के पुराण सुना जाए तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है उसकी। भागवत जी में भी ये लिखा है, विष्णु दीक्षा बिना नाम, भागवत का एक श्लोक बोल रहा हूं। आज भागवत जी की भी कथा है 11वें स्कंद की, जो कि 4 बजे शुरू होगी, 4 से 7 बजे संस्कार टीवी पर, जिसका लाइव टेलीकास्ट है उसको भी आप जरूर सुनिएगा। भागवत जी का श्लोक है, विष्णु दीक्षा बिना नाम न अधिकारम कथा श्रवे। उसमें तो लिखा है कि दीक्षा के बिना तो कथा सुनने का अधिकार ही नहीं है। अब फिर सोचा जाएगा कि हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है, फिर हमने तो बहुत कथाएं सुनी है, फिर अब क्या हो। भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर ले। हाँ, समाधान के लिए तो कोई साधु ही समाधान करेगा, भगवान आपसे बात करने को नहीं आएगा। फिर परमात्मा को क्यों गुरु बनाए, एक प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का जवाब है कि जिनको गुरु नहीं है वो इस समय परमात्मा को अपना गुरु बना लें, और वही भगवान किसी न किसी गुरु से तुम्हें तुम्हारी मुलाकात करा देगा, और उस समय फिर आपको दीक्षा लेने का सौभाग्य मौका प्राप्त हो जाएगा। जब तक कोई साधु नहीं मिल रहा है, कोई महात्मा नहीं मिल रहा है, कोई गुरु नहीं मिल रहा है, तो आप ईश्वर को, राम कृष्ण हनुमान, भूत प्रेतों को छोड़ करके इन देवताओं को गुरु बना लीजिए। बड़ा सुंदर वर्णन है कि वही भगवान इतनी बड़ी कृपा कर देंगे कि किसी न किसी महात्मा से मुलाकात करा देंगे, फिर उनसे मंत्र ले लेना, इसी में बेड़ा पार है। बोले आनंद विहारी लाल की जय हो। पुराण पूजनम प्रोक्तम वेदना षोडशेन तु। वक्ता जब कथा आरंभ करे तो वो पुराण का पूजन करे। आप मुझे आहा देखते हैं, मैं कथा आरंभ करने से पहले ग्रंथ का पूजन करता हूँ, पुराण का पूजन करता हूँ। यजमान रोज ना कर पावे तो कथा के समापन पर पुराण का पूजन जरूर करे। आपको ध्यान है क्या, किसी कथा में मैंने एक दिन अनाउंस किया था, जितने भी जन 18 पुराणों के यजमान, उप पुराणों के यजमान बने हैं, वृंदावन तक मेरी व्यासपीठ तक नहीं पहुंच पाए हैं, जब कभी मैं आपके नगर शहर में चल करके आऊं तो एक बार इस व्यासपीठ को आकर के ग्रंथ के सन्मुख मत्था जरूर एक बार जोड़ लेना, वंदन कर लेना, प्रणाम कर लेना, क्योंकि यजमान के लिए ग्रंथ का साकार भाव से दर्शन करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ये बात बोली है मैंने कि नहीं बोली? बिल्कुल बोली हो।